इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में विराट के फेल होने के बाद कपिल देव ने उन्हें टीम से बाहर करने की बात कही थी, जिसका करारा जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि कपिल देव को नहीं पता है कि टीम के अंदर क्या हो रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में फेल होने के बाद विराट कोहली की टीम इंडिया से बाहर होने की मांग उठने लगी है। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने कहा कि अगर अश्विन जैसा गेंदबाज भारत की टेस्ट टीम से बाहर हो सकता है तो विराट कोहली क्यों नहीं। इसके जवाब में मौजूदा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा वो बाहर बैठकर मैच देख रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि टीम के अंदर क्या हो रहा है। रोहित ने आगे कहा कि ये एक्सपर्ट कौन होते हैं, इन्हें क्यों एक्सपर्ट बोला जाता है, वो बाहर से गेम देख रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। देखिए, हमारे लिए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हम बाहर का कुछ सुनते नहीं है और ये एक्सपर्ट लोग मुझे पता नहीं कौन है। एक्सपर्ट क्यों बोला जाता है मुझे वो नहीं समझ रहा। कपिल पाजी ने कहा कि भाई देखिए वो बाहर से गेम देख रहे हैं, उनको पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। हमारा एक कुछ थॉट प्रोसेस है, टीम बनाते हैं हम लोग, उसके पीछे काफी चर्चा होती है, उसके पीछे काफी थिंकिंग होती है, लड़कों को बैक किया जाता है, लड़कों को मौका दिया जाता है, तो ये सब चीजें बाहर के लोगों को पता नहीं चलती। तो इसीलिए मैं बाहर क्या हो रहा है, अंदर बाहर क्या हो रहा है वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अंदर जो हो रहा है हमारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फॉर्म की बात करते हो, फॉर्म ऊपर नीचे सबका हो रहा है, प्लेयर का क्वालिटी जो है वो कभी खराब नहीं होता, तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब आप ऐसे कमेंट्स बाहर निकल रहे हैं तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, प्लेयर का क्वालिटी कभी खराब नहीं होता, उस क्वालिटी को बैक किया जाता है क्योंकि प्लेयर के पास क्वालिटी है और हम वो क्वालिटी देख के प्लेयर को बैक करते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, एक्सपर्ट के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ दो टी20 मैच में विराट कोहली सिर्फ 12 रन बना पाए हैं। दूसरे मैच के बाद कपिल देव की बात का जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने कहा वो बाहर बैठकर मैच देख रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। हम बहुत सोच समझकर हम अपनी टीम बनाते हैं, हम खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं और उन्हें मौका देते हैं। बाहर बैठकर आपको ये चीज़ें नहीं पता चलती हैं, इसलिए जो बाहर हो रहा है वो जरूरी नहीं है, बल्कि जो अंदर हो रहा है वो हमारे लिए बेहद जरूरी है। रोहित ने आगे कहा कि अगर आप फॉर्म की बात करते हैं तो हर खिलाड़ी उतार चढ़ाव से गुजरता है, इससे खिलाड़ी की क्षमता नहीं प्रभावित होती, इसलिए हमें अपने दिमाग में ये सारी बातें रखनी चाहिए। जब कोई खिलाड़ी इतने सालों से अच्छा खेल रहा होता है तो एक या दो सीरीज में उसे खराब खिलाड़ी नहीं बना देती, हमें उनके पिछले प्रदर्शन को नहीं भूलना चाहिए। हम जो टीम में हैं हमें खिलाड़ियों की अहमियत पता है, उनको इस बारे में बात करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा अगर दुनिया के दूसरे नंबर का टेस्ट गेंदबाज अश्विन टेस्ट टीम से बाहर हो सकता है तो आपका नंबर एक बल्लेबाज भी टीम से बाहर हो सकता है। अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो आप इन युवा खिलाड़ियों को लगातार टीम से बाहर नहीं रख सकते। मुझे उम्मीद है कि चयन के लिए अच्छी जंग होनी चाहिए, युवाओं को कोहली से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन विराट को सोचने की ज़रूरत है। हाँ, मैं एक समय बड़ा खिलाड़ी था लेकिन अब मुझे फिर से नंबर एक खिलाड़ी की तरह खेलने की ज़रूरत है। यह टीम की समस्या है और यह खराब समस्या नहीं है। सूर्य कुमार यादव की 117 रन की पारी पर बात करते हुए रोहित शर्मा ने कहा जब आप बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए और क्रीज पर आकर उस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं जैसे उन्होंने की तो खिलाड़ियों के बारे में पता चलता है कि वो कितना काबिल हैं। हमारे 3 विकेट गिर चुके थे और हम चाहते थे कि वो साझेदारी जितना हो सके उतनी लंबी हो। उन्होंने आज लगभग हर चीज़ सही की। अंत तक उनका क्रीज पर न रहना निराशाजनक रहा, लेकिन इससे उनकी पारी कहीं से भी कमतर नहीं होती है। आप रोज ऐसी पारी नहीं देखते हैं, हम एक टीम के रूप में इसे दोनों हाथों से स्वीकार करते हैं। उनके पास मैदान के चारों तरफ शॉट हैं, यह क्षमता बहुत ही कम बल्लेबाजों में दिखता है। उनके जैसे खिलाड़ी का टीम में होना हमारे लिए बेहद सुखद है। रोहित ने आगे कहा कि इंग्लैंड में सीरीज जीतने में टीम को मनोबल काफी बढ़ा हुआ है।
पहले मैच में कई खिलाड़ी नहीं थे, दूसरे मैच में उनकी वापसी हुई और तीसरे मैच में भी कुछ खिलाड़ी नहीं थे। टी20 विश्व कप आ रहा है, हमें खिलाड़ियों को बदलना होगा और उन्हें तैयार करना होगा। उन्हें तैयार करने के लिए हमें उनको मौके देने होंगे ताकि वो अपनी क्षमताओं का पहचान सके। खेल जगत से जुड़े और जानकारी के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।